नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम लाते हैं रोमांचक कहानियां और अद्भुत तथ्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन हम भी अंतरिक्ष में छुट्टियां मना सकते हैं? एक समय था जब अंतरिक्ष जाना केवल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों तक ही सीमित था, लेकिन अब समय बदल रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन की दुनिया हमारे सामने नए द्वार खोल रही है। सवाल यह है कि यह नई यात्रा केवल मनोरंजन है या इससे हमारी वैज्ञानिक खोजों को भी नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। अंतरिक्ष पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब आम लोग भी, जिनमें से कुछ करोड़पति और अरबपति होते हैं, अपनी जेब में पैसे लेकर अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। ये पर्यटन उद्योग का वो नया रूप है जहां आप धरती की सीमाओं से बाहर जाकर शून्यता में तैर सकते हैं और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कई कंपनियां सामने आ रही हैं। वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियां अब स्पेस टूरिज्म को वास्तविकता बना रही हैं। लेकिन क्या ये केवल रईसों का शौक है या इससे कुछ गहरा हासिल हो सकता है? अंतरिक्ष में जाना कोई नई बात नहीं है। 1961 में यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और उसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। लेकिन अंतरिक्ष पर्यटन की बात 2001 में शुरू हुई जब अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टीटो ने लगभग $20 मिलियन खर्च करके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया। यह तब तक एक सपना ही था जब तक कि निजी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे नहीं आईं। अब समय के साथ यह केवल अरबपतियों का शौक नहीं रह गया है, बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी भविष्य में एक वास्तविकता हो सकती है। अंतरिक्ष पर्यटन एक रोमांचक विचार जरूर है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। अंतरिक्ष में जाना सिर्फ टिकट खरीदने भर की बात नहीं है। रॉकेट लॉन्च से लेकर पुनः प्रवेश तक हर कदम पर सुरक्षा का सवाल होता है। माइक्रोग्रेविटी का इंसान के शरीर पर असर, रॉकेट के लिफ्ट ऑन ऑफ के दौरान अनुभव होने वाली जबरदस्त जी फोर्स और वापसी पर गर्मी से बचाने वाले हीट शील्ड जैसी कई चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष पर्यटन केवल मनोरंजन का एक नया साधन है या यह वास्तव में मानवता के लिए कुछ बड़ा योगदान कर सकता है? जहां एक तरफ स्पेस टूरिज्म लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव है, वहीं दूसरी तरफ यह अंतरिक्ष में नई खोजों का रास्ता भी खोल सकता है। वैज्ञानिकों को आम नागरिकों पर माइक्रोग्रेविटी और दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों को समझने में मदद मिल सकती है। अंतरिक्ष पर्यटन के कई फायदे हो सकते हैं। यह मानवता को अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार कर सकता है। यह एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो सकती है जहां लोग मंगल ग्रह या अन्य ग्रहों पर कॉलोनियां बसाने की योजना बना सकते हैं। स्पेस टूरिज्म की प्रगति का मतलब यह भी हो सकता है कि हम नई खोजों के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर आलोचना भी है। क्या यह एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए है और क्या इसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो सकता है? रॉकेट लॉन्च के दौरान होने वाला कार्बन उत्सर्जन क्या धरती के पर्यावरण पर बुरा असर नहीं डालेगा? साथ ही क्या इतनी बड़ी रकम केवल मनोरंजन के लिए खर्च करना सही है, जबकि धरती पर अब भी गरीबी और अन्य समस्याएं मौजूद हैं? भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन किस दिशा में जाएगा? क्या यह सभी के लिए सुलभ हो पाएगा? क्या हम वाकई में अंतरिक्ष में जीवन को संभव बना पाएंगे? इन सवालों का जवाब समय के साथ मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य रोमांचक होगा। अंतरिक्ष पर्यटन एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है मानवता के लिए, विज्ञान के लिए और शायद एक दिन हमारी पूरी सभ्यता के लिए। सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं आप अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अंतरिक्ष में छुट्टियां मनाने जाएंगे? मिलते हैं अगली बार एक और ज्ञानवर्धक सफर पर। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।